नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स। ओके, नाउ फर्स्ट हियर दिस एंगल इज गिवन ऑल्सो एंड साइन कॉस टेन कॉसेक। आपको कैसे याद रखना है ये टेक्निक मैं आपको बताता हूँ आज, बरा ये टेक्निक आपको बताता हूँ, आप कर सकते हो तो करेंगे। ओके, तो क्या करना है, पहले 0 1 2 3 4 बराबर ये पहले लिखना है, रिमेंबर मैंने दिखाया है, फिर 4 से डिवाइड, तो 4 4 4 4 4। ओके, फिर अंडर रूट बराबर। अभी आपको ये ध्यान रखना है, जीरो जो ऊपर होगा 0 upon 4 तो आंसर 0 आएगा, जीरो नीचे होगा 1 upon 0 तो अनडिफाइंड टर्म, बराबर यानी डैश, ये ध्यान रखना है। 0 ऊपर हो तो आंसर 0, 0 नीचे है तो अनडिफाइंड टर्म यानी डैश। तो देखो 0 upon 4 तो 0 आ जाएगा, 1 upon 4 स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 2/4 तो 2 2 4, 1/2 1 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, 2 का रूट 2, √3 3 का पॉसिबल नहीं है, 4 का 2, 4 1 4 1 का स्क्वायर रूट 1। ओके, ये साइन की वैल्यू हो गई आपको याद रखने की, मैंने टेक्निक बता दी बराबर। अब उल्टा करना है तो यहां से लेते हैं 1 √3/2 बराबर 1/√2 1/2 0। तो tan थीटा की फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, तो sin अपॉन cos साइन की जो वैल्यू अपन कॉस की वैल्यू, 0 upon 1 यानी क्या आएगा 0, ऊपर 0 है, 1 upon 2 upon √3/2 तो 2 2 कट हो जाएगा, 1/√3 ये दोनों कट हो जाएगा, 1/√2 1/√2 तो 1, 2 2 कट हो जाएगा तो √3/1 यानी √3, 1/0 अनडिफाइंड टर्म ये लिखना है या डैश लिखना है। ओके, अब आपको को मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू 1 upon cot थीटा। ओके, तो इसका उल्टा यहां से ले लो, अनडिफाइंड टर्म √3 1 1/√3 0। ओके, sec थीटा तो sec की फॉर्मूला है 1 upon cos थीटा। ओके, तो cos का उल्टा 1 का उल्टा 1, 2/√3 √2/1 ओवर 2/1 1/0 यानी अनडिफाइंड टर्म। ओके, cosec क्या है उल्टा, अनडिफाइंड टर्म 2 √2 2/√3 एंड 1। ओके, इस तरीके से ये टेबल हो गया बराबर। आपको याद कैसे रखना है, सपोज आपको मुझे साइन 45 तो आपको याद आना चाहिए कैसे, पहले 0 है 30 है फिर 45 है तो 1/√2 देखो साइन 45 1/√2। ऐसा पूछे कॉस 0 तो फर्स्ट में ही आता है कॉस 0 यानी कि आता है 1, देखो कॉस 0 1। ओके, ऐसा पूछे टेन 45 तो बीच में आता है, देखो 1 1 आएगा, देखो 10 45 1 cot 45 1 यानी दोनों 1 1 है। sec पूछे 45 तो उसका उल्टा √2 आएगा, cosec 45 तो √2 आएगा बराबर, इस तरीके से आएगा बराबर। सपोज आप उसे sec 90 तो यानी आपको cos 90 आना चाहिए, इसके अंदर लास्ट में cos 90 है वो क्या है, तो यहाँ से देखो 1 0 आता है तो 1/0 यानी अनडिफाइंड टर्म sec 90, देखो sec 90 अनडिफाइंड टर्म आया बराबर। ऐसे कर सकते हो cosec 30 तो cosec 30 का मतलब sin 30 आना चाहिए, तो sin 30 क्या है 1/2 उसका उल्टा 2 आएगा, देखो cosec 30 2 आएगा
बराबर इस तरीके से होगा, ये आपको ध्यान रखना है बराबर। इसके बाद जो एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। चलो इसका यूज करना इसलिए यहां रखता हूं। चलो पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल 6। बराबर ये यहां तक हो गया था, फिर एग्जांपल 6 ही है। ओके इसमें लिखा है ट्राइंगल एबीसी राइटिंग का ट्राइंगल बी, बी इज द राइटिंग का ट्राइंगल दिया हुआ है बी एबीसी। ओके गिवन फिगर, फिगर दी है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी और सी डी, बी सी एंड सी डी, बी सी फाइंड करना है सी डी फाइंड करना है बराबर। तो ये जो है बराबर आपको क्या लिखा है ए सी बी 30, ए सी बी 30 ये दिया हुआ है। तो आपको इजी मेथड, पहले देखो फॉर्मूला आनी चाहिए साइन 30 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 ऐसे रखते हैं पहले, इसकी अपोजिट साइड 30 की अपोजिट साइड फाइ है, हाइपोटेनियस क्या है एसी। साइन 30 यानी 1/2 फाइ बाई एसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 बराबर। ये लेते हैं तो एडजेक्शन अपॉन, ये लेना है तो आपको अपोजिट साइड अपॉन एडजेक्शन साइड, तो कौन सी फॉर्मूला है 10/30 क्या है अपोजिट साइड अपॉन एडजेक्शन साइड। 10/30 की वैल्यू क्या है, तो साइन 30 आना चाहिए और कॉस 30 आना चाहिए, तो वहां 1/2 है, देखो साइन 30 1/2 है नहीं, √3/2 2 कर जाओ 1/√3। ओके 1/√3 साइन 30 अपोजिट साइड क्या है फाइ, एडजेसेंट क्या है बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई टू बीसी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ओके ये एसी भी आ गया और टेन भी आ गया। ओके इस तरीके से चलो उसके बाद उसने क्या पूछा है वो देख लेते हैं। इन द ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एट द क्यू, क्यू राइट एंगल ट्राइंगल सी द फिगर, पी क्यू 3 दिया है, पी आर 6 दिया है, डिटरमाइन क्यू पी आर और पी आर क्यू, देख लेते हैं चलो। क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 ट्राइंगल दिया हुआ है क्यू इज द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर। ओके क्यू पी आर, क्यू पी आर ये ढूंढना है, पी आर क्यू ये ढूंढना है। ओके चल लेते हैं इसके अंदर इजी मेथड से करते हैं तो मालूम पड़ जाएगा। चलो इसमें आप देख सकते हो ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस किसकी फॉर्मूला है साइन की, तो साइन ये आर है, तो ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइन आर ऐसे ही रखो, आर का अपोजिट है 3, हाइपोटेनियस 6 है, 3 × 6 1/2। आपको मालूम होना चाहिए साइन की किस वैल्यू 1/2 है 30, साइन 30 तो आर इज इक्वल टू 30, और ये 30 आ गया। ओके इस तरीके से फिर आपको ये पूछे
अच्छा इसके बाद है पी, तो पी क्या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, तो कॉस की फॉर्मूला है कॉस पी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, कॉस पी ऐसे ही रखो, एडजेसेंट साइड क्या आएगी थ्री और हाइपो क्या है सिक्स, थ्री टू या सिक्स, कॉस पी इज इक्वल टू वन बाई टू, आपको कॉस की 1 बाई टू 60 में है, देखो कॉस 60 1 बाई टू, तो पी क्या आएगा 60, बराबर। इस तरीके से एग्जांपल 7 हो गया। अब इसके बाद एग्जांपल 8 दिया है, साइन की वैल्यू दी है, कॉस की दी है और ए और बी फाइंड करने का बोला है। चलो ये देख लेते हैं एग्जांपल 8। चलो इसमें देखते हैं, एक साइन ए ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है, ये दिया हुआ है, बराबर। तो आप ये देख सकते हो कि साइन 1/2 कहाँ आता है 30 में, देखो साइन 30 1/2 बराबर, यानी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, तो साइन साइन निकाल दो तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, एग्जाम्पल 1। ओके अब कॉस 1/2 कहाँ आता है तो 60 में, देखो कॉस 1/2 60 में, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60, ओके तो कॉस कॉस कट कर लो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर टू, इक्वेशन टू, वन और टू सॉल्व कर दो। अब थर्ड चैप्टर बाय इक्वेशन 1 and 2, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, EB cut 2A is equal to 90, A is equal to 90/2, 45, बराबर। ये क्या हो गया 45 हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो, सेकंड में रखते हैं बाय इक्वेशन सेकंड, A प्लस B इज इक्वल टू 60, A 45 प्लस B इज इक्वल टू 60, B इज इक्वल टू 60 माइनस 45, B इज इक्वल टू 15, ओके। इस तरीके से ये आपका चैप्टर नंबर 8 का वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो मैंने आपको बताया है, बराबर, ये ध्यान रखना। तो ये एग्जाम्पल के साथ और टेबल आना चाहिए, टेबल नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा, बराबर। टेबल आप लिख के भी प्रिपेयर कर सकते हो और मेरी तरह भी कर सकते हो, बराबर, याद रखने की टेक्निक है आपको मैंने बता दिया है, बराबर। और ये जो है टेबल के लिए आपको ये डैश किया है वो अनडिफाइंड टर्म है, वो ध्यान रखना है, ये अनडिफाइंड टर्म है, यानी 1/0 तो अनडिफाइंड टर्म, बराबर, 0/1 जीरो आएगा, ऊपर जीरो तो आंसर जीरो और नीचे जीरो तो अनडिफाइंड टर्म, बराबर, ये ध्यान रखना है। टेबल तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा वरना ये चैप्टर आएगा ही नहीं, बराबर, और ये यूजफुल होगा बहुत सारे 11th साइंस 12th साइंस, बराबर, अब जहाँ तक पढ़ोगे तहाँ तक यूजफुल ये होगा ही, बराबर, ये ध्यान रखना है। ओके ये करते रहना है और समझना है और प्रिपेयर करना है, ओके। ये ध्यान रखोगे तो आपको आ जाएगा। ओके ये मैंने आपको बताया है, इसमें वैदिक मैथ्स भी आप कर सकते हो और मैंने इक्वेशन के साथ भी आपको बताया, तो इस पर टेबल नहीं आएगा तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, ओके, न
नमस्कार, बाय।